हेलो व्यूअर्स, आपका मेरे चैनल स्टिच एंड फिट में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक दुपट्टा, सिल्क का दुपट्टा जिसके कि दोनों तरफ बॉर्डर है और ये बीच में एक बूटी बनी हुई है ड्रॉप्स की तरह जो बनी हुई है, इसके से मैं आपको एक डिज़ाइनर कुर्ता बनाकर दिखाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके ये 2 मीटर कपड़ा है और इसके दोनों तरफ इसके बॉर्डर है। पहले हम इसकी लेंथ नापेंगे। इसका ऊपर वाला एक हिस्से का बॉर्डर जो है वो मैं काट दूंगी, क्योंकि ऊपर की तरफ जो है वो अच्छा नहीं लगेगा बॉर्डर। इसके लिए ऊपर वाला बॉर्डर मैंने इसकी पट्टी जो है वो अलग से निकाल ली है, और जो ड्रॉप्स का साइड है वो उसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है। और इसकी साइड की पट्टी को काट कर इसको मैंने उल्टी तरफ से चार लेयर्स में इसको फोल्ड कर लिया है। पहले इसकी पट्टी दोनों तरफ से मिलाकर इसको मैं पिनअप कर लूँगी और अच्छी तरह से इसको सेट करके मैंने सभी तरफ से पिंस लगा दी हैं, ताकि ये कपड़ा जो है वो थोड़ा सरकता है, पिन से ये सेट हो जाएगा। इसके ऊपर से लेकर नीचे तरफ इसकी जो लेंथ है वो 38 इंच है, लेकिन मुझको 14 चाहिए। इसके लिए जो इसका एक बॉर्डर है ऊपर वाला जो मैंने निकाला है, उसको मैं नीचे की तरफ बाद में अटैच कर लूँगी और इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। और मैंने इसी तरह से इसको नाप के अनुसार इसको काट लिया है। इसमें मैं बोट नेक बनाऊँगी और इसके ऊपर जो शोल्डर है वो मैंने 7 इंच और आर्म होल भी 7.5 और इसकी जो ब्रेस्ट है वो 40 की मैंने काटी है और जो हिप है वो भी 40 है और कमर जो है वो 35 है। आप अपने हिसाब के अनुसार, मेजरमेंट के अनुसार काट सकते हैं जो आपका मेजरमेंट है। और जो साइड वाला पीस बचा है उसको मैं 4 लेयर्स में फोल्ड करके इसकी बाजू जो है वो निकाल लूँगी। ये मैंने क्वार्टर बाजू जो है वो निकालनी है। इसकी लेंथ जो है वो मैं 16 इंच रखूँगी, लेकिन जो नीचे वाला बॉर्डर है वो सारा नहीं दिखलाऊँगी, इसका हाफ हिस्सा ही जो बॉर्डर का है वो इसके नीचे मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो बाजू के नीचे अच्छा नहीं लगता। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैं इसके नीचे आधा बॉर्डर ही शो करूँगी। ये मैंने 8.5 इंच के अनुसार इसकी जो आर्म होल है उसको काट लिया है और नीचे मैंने 5.5 इंच इसका मोरी रखी है और 16 इंच इसकी लेंथ रखी है। ये मेरी बाजू जो है वो कट गई है, इसके 2 हिस्से हैं। और अब ये वाला हिस्सा जो है वो बच गया है, ये हमारे गले के नीचे काम आ जाएगा। इतना हिस्सा इसका जो है वो दुपट्टे का बच गया है और ये वाली पट्टी जो है वो इसको हम डिज़ाइन में लेकर आएंगे और इसकी लेंथ भी इससे बड़ी करेंगे। ये देखिए, मैंने इसकी लाइनिंग को भी काट लिया है, नीचे उसके बराबर लाइनिंग काट ली है। इसके बराबर ही मैंने लाइनिंग को काट लिया है और
ये बाजू की जो लाइनिंग है वो है, इसमें थोड़ा सा जोड़ पड़ेगा। पहले मैं जोड़ लगाकर इसके बाद इसकी लाइनिंग की बाजू जो है वो बाजू की कटाई करूँगी। इसको पहले हम जोड़ लगा लेंगे। अब मैं इसको आपको जोड़ के बतलाती हूँ कि ये देखिए मैंने जो बाजू है दोनों वो तैयार कर ली हैं। इसके नीचे मैंने डोरी वाली गोल्डन पाइपिंग लगाई है और इसका बॉर्डर का दो इतना वाला हिस्सा जो है वो मैंने शो किया है, और इसके नीचे मैंने पट्टी जो है वो एक जोड़ दी है, और इसकी लेंथ बढ़ गई है। और नीचे मैं थोड़ा सा कपड़ा और लगा कर इसको फोल्ड कर दूँगी बाद में। और इसके नीचे लाइनिंग लगा ली है और इसके दोनों तरफ प्लीट्स डाल दी हैं। फ्रंट प्लीट्स और साइड वाले प्लीट्स मैंने इसमें नहीं डाले। इसकी जो लाइनिंग है वो थोड़ी सी हम ऊँची रखते हैं, और ये वाली बाजू देखिए इतनी बढ़िया तैयार हो गई है। अब इसके सेंटर में मैं एक डिज़ाइन डालूँगी, जो इसका पट्टियाँ ये बच गई हैं इसको मैं दोनों तरफ से सिलकर बीच में सेंटर में सिलाई डाल के इसमें पाइपिंग जो है वो साइड से लगाकर इसमें डिज़ाइन बनाऊँगी। ये वाली जो है लेस मैं इसके साथ साइड पे अटैच करूँगी। ये देखिए मैंने बीच में से इसके सिलाई लगाकर और साइड में मैंने इसके लेस लगा ली है, और इसके सेंटर मैंने 15 इंच तक बढ़ाया है। 15 इंच तक हम इसकी लंबी रखेंगे और ऊपर से जो बड़ी हुई है उसको काट देंगे और इसको अटैच कर लेंगे। ये मैंने सेंटर में भी लगा दी है दोनों साइड इसके, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। पहले मैं नहीं लगा रही थी लेकिन बाद में मैंने इसको अटैच कर दिया, और ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अब इसके हम ऊपर बोट नेक काटेंगे। ये देखिए मैंने इसको तैयार कर लिया है, ये इसकी लास्ट फिनिश है। देखिए ये इसमें मैंने दोनों तरफ से बोट नेक लगाया है, और ये बाजू जो है इसमें पाइपिंग लगाई है डोरी वाली, और नीचे जो है वो मैंने साइडों पे भी पाइपिंग लगाई है, और इसको नीचे से तरपाई कर ली है। और ये पीछे की तरफ से भी ये देखिए बॉर्डर जो है वो बढ़ा कर लगा दिया है, और ये बहुत अच्छी इसकी लुक आई है। ये देखिए आप चाहें तो इसके बीच में बटर मिल लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरी चैनल। थैंक